तो ये लोकेशन अपडेटर का कोड है, ये एंड्रॉयड पार्ट है, सर्वर रन किया है, सर्वर रन करते ही आपको डेटा आने लगेगा। तो पहले सर्वर रन करके रखा होता है, जैसे ही आप एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करते हो आपका, तो मैं अभी सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करते ही आप देख सकते हो कि ये लोकेशन जाने लगे, यहाँ पे लोकेशन आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स अपडेट हो रहा है। तो ये जो लोकेशन यूज़र के साइड से आ रहा है, अभी ये ह्यूमिलेटर का लोकेशन है, ह्यूमिलेटर में जो दिख रहा है वो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो हमें मैप में दिखाना है, तो ये देखिए ये मैप में, तो ऐसे आपको लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ऊपर आपको सब सब इन्फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे जैसे लोकेशन अपडेट होते जाएगा, वैसे वैसे ये अपडेट होते जाएगा, यूज़र का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होते। आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स ये आपका रिट्रीव हो रहा है और सेंड होके आपको फोकस में दिखाएगा कि कहाँ पे है एग्जैक्ट पर्सन। तो इस तरीके से ये पूरा चलेगा, ये एंड्रॉयड ऐप है, ये बैकग्राउंड में रन होते रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देखिए काउंट बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे जितने इन्फॉर्मेशन आते जाएगा, 500 मिली सेकेंड्स रखा है यहाँ पे काउंट, आप चाहे तो 5000, तो जैसे जैसे 50,000 मिली सेकेंड्स, वो मतलब 5 सेकेंड्स, तो आपका जितना भी वैल्यूज रहेगा, अभी ये 0.5 सेकेंड्स के हिसाब से आपको वैल्यू दे रहा है। तो जो भी वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे अपडेट होते जाएगा ये उसको सेंटर एलोकेट करेगा। अगर यहाँ पे अपडेट हुआ तो यहाँ पे दिखाएगा वो कि पर्सन कहाँ पे, तो आप उसका पाथ भी ट्रेस कर सकते हो कि कौन से पाथ से वो आया है।